मक्का गए मदीना गए बन के आए हाजी आदत गई गई रह गए पाजी के पाजी के यही हाल है चाइना का चाइना अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है है बार बार उसको चेतावनी दी जाती रहती है, जी दी जाती जाती रहती रहती है लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है अभी फिर रिसेंटली उसने कुछ एरिया के जो अरुणाचल प्रदेश में है जो भारत का हिस्सा है उसमें कुछ क्षेत्रों के नाम इसने बदले हुए हैं कुछ सड़कों के कुछ ब्रिजेस के कुछ रास्तों के कुछ जगहों के तो उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है साथ ही साथ में आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिलने वाली है इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स को लेकर के तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों एक रिक्वेस्ट है आपसे ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर मैं आजकल वीडियोस दे रहा हूं आपको तो आप ऐसी वीडियोस पाते रहें इसके लिए चैनल को को सब्सक्राइब करके करके बेल आइकन प्रेस करके, आल वाली बटन पर क्लिक कर लेना क्योंकि यूट्यूब जो है ना वो नोटिफिकेशन देने में कंजूसी कर रहा है उसकी भी आदत नहीं सुधर रही है तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करके आल पर जरूर क्लिक कर लेना ठीक है ना तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल्स है आजकल अभी के टाइम पर जितने भी बड़े न्यूज एजेंसियां हैं या न्यूज़पेपर्स हैं सब लोग इसको कवर कर रहे हैं जो चाइना ने किया है और उस पर क्योंकि विदेश मंत्री ने भी अपना जवाब दिया है और विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने भी ऑफिशियल इंडिया का जवाब दिया है रिस्पॉन्स दिया है इस पर यहाँ पर देख सकते हो आर्टिकल में लिखा है एस जयशंकर जी का बयान इफ आई चेंज नेम ऑफ़ योर हाउस इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली में एस जयशंकर जी से जब पूछा गया कि चाइना ने कुछ अभी क्षेत्रों के नाम अभी रिसेंटली फिर से बदले हुए हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तो इन्होंने बहुत ही शानदार जैसे कि आप जानते हैं अपने विदेश मंत्री साहब जो हैं ये बिल्कुल सटीक और इतना तत्परता से तत्परता से जवाब देते हैं

जगह तो हमारा है कब्जा भी हमारा है वो स्थान भी हमारा है और रहेगा भी तो इसमें उनका नाम बदलने से कोई मतलब है नहीं कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ना है दूसरी बात इन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके और भी बातें बोली हैं अभी हम लोग जानेंगे वीडियो में फिलहाल इस वीडियो में क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होने वाली है इसको जान लो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे ये बात उठी क्यों चर्चे में क्यों रही दूसरी बात लोकेशन और स्थिति को हम लोग देखेंगे समझेंगे इसके बाद हम लोग भारत का रिएक्शन देखेंगे तो ये वीडियो में तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले तो आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो अपना प्यारा भारत दिखेगा दक्षिण एशिया में एशिया में भारत के ऊपर ही आपको दिख जाएगा चाइना पहले यहां पर तिब्बत हुआ करता था लेकिन तिब्बत को दोस्तों उन्नीस में उनसठ में चाइना ने कब्जा कर लिया अटैक करके और उसके बाद से चाइना हो गया चाइना आप अगर देखोगे मैप में तो यहां से लेकर के चाइना का एरिया आज के टाइम पर यहां तक फैला हुआ है बहुत बड़ा देश आज के टाइम पर ये बन चुका है ठीक है ना तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना ये चाइना का है ये जो आपको दिख रहा है इतना एरिया ये पूरा चाइना है इतना ठीक है यहाँ पर यह अक्साई चीन में है, आज के टाइम पर चाइना के कब्जे में है वैसे चाइना यहां तक इसका एक्चुअल में जगह है लेकिन अभी के टाइम पर अक्साई चीन वाला हिस्सा भी आगे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो ये चीन है और ये है अपना प्यारा भारत ठीक है बात कहां पर उठ रही है बात उठ रही है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य है अपना अरुणाचल प्रदेश वहीं पर बॉर्डर हिस्से में कुछ जगहों की बातचीत चल रही है जब विदेश मंत्री जी से इस पर बयान पूछा गया इस पर उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो इन्होंने साफ साफ चेंज द नेम ऑफ योर हाउस विल इट बिकम माइन यदि मैं आपके घर का नाम बदल दूं आज तो क्या आपका घर मेरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश वाज इज एंड विल ऑलवेज बी स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश था है और रहेगा हमेशा भारत का स्टेट राज्य चेंजिंग नेम पड़ता है लाइन ऑफ एक्चुअल अपनी जो आर्मी है वो एल ए सी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉयड है एंड दे नो वाट टू डू वो जानते हैं अच्छे तरीके से कब क्या करना है तो खुले तौर पर इनको धमकी भी दे दिए साफ शब्दों में समझा दिए कि ये नया भारत है झुकेगा नहीं हमारी आर्मी डिप्लॉयड तुम्हारे नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर कुछ और हरकत किए तो वहां हमारी आर्मी है मुंहतोड़ जवाब दे देगी उनको अच्छे से पता है क्या करना है और खुली छूट भी है इधर से है ना तो ये जवाब इनका रहा विदेश मंत्री का मतलब ओपन ओपन खुला चैलेंज उनको दिया गया कि देखो तुम्हारे नाम बदलने से या तुम्हारे अपना दावा करने से हम लोग झुकने वाले नहीं है ना ही हम लोग ये कहने वाले हैं कि चलो ठीक है ले जाओ यहां पर खुले शब्दों में इनको चुनौती दे दी गई है साथियों आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर अभी मैंने वीडियोज दी हुई हैं आपने अगर नहीं देखा उसको जरूर देखेगा एक बार आपकी समझ आपकी जानकारियां और ज्यादा बढ़ेंगी जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम पर वीडियो मैंने आपको दी इसके अलावा भारत ने कच्छा थी वो द्वीप क्यों दिया श्रीलंका को लिया जा है कि नहीं कैसे क्या होगा प्रोसेस यह अभी कल वीडियो आई हुई है इसको देखिएगा आचार संहिता लागू हुई है इसमें क्या क्या नियम क्या क्या रूल्स है फॉलो करना चाहिए क्या करना चाहिए ये देखना बजट पर वीडियो आई है उसको दो लाख से ज्यादा लोगों ने देखा हुआ है तो उसको जरूर देख लेना इसके अलावा लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पर मैंने दी है वीडियो केजरीवाल पर वीडियो दी है शराब घोटाला क्या है ये सब जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे होते हैं बड़े बड़े देखो मैं बार बार फ्रिक्वेंटली तो नहीं दे सकता हूं लेकिन एक वीडियो देता हूं उसमें पूरा जो भी आपके लिए आवश्यक जानकारी होती है वो आपको प्रोवाइड कर दिया करता हूँ तो आप जो है जरूर देखा करो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक जरूर कर दिया करो जिससे ऐसी वीडियो अगर आए तो आपको रिकमेंड हो जाए वो ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं मुद्दे पर आते हैं दोबारा से यहाँ पर अभी चर्चा में क्यों आई बात ये हैं सी जिनपिंग ये सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चाइना के नाम तो आप इनका जानते ही होंगे सोमवार को अभी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के वो अपना हिस्सा बताते हुए इन्होंने 30 से जगहों 30 से ज्यादा जगहों के नाम इन्होंने बदल दिए थे लगभग इसमें 11 रिहायशी इलाके थे 12 पर्वत थे चार नदियां एक तालाब और एक पहाड़ी रास्तों से निकलने वाला एक रास्ता था तो इन तीस जगहों के नाम इन्होंने बदले इससे पहले भी ये नाम बदलते आए रहे हैं पिछले सात सालों में चौथी बार ऐसा है जब अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जगहों के नाम इसने बदले हुए हैं और उसको अपना एरिया बताया है ये उसको बताते हैं कि वो तिब्बत का पार्ट था अब चूंकि तिब्बत हमारा है तो वो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा भी वो हमारा है जबकि इंडिया के पास तिब्बत जब था तब भी वो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा अपने पास ही था और अभी भी है ना हाँ रहते वहां पर कुछ तिब्बती मूल के या कुछ उस धर्म के बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो देश तिब्बत का हो गया है ना जैसे अभी आप कहो कि हिंदू यहां पर रहते हैं हिंदुस्तान में और हिंदू और भी दुनिया भर में रहते हैं तो इसका मतलब तो है ये नहीं एक दूसरे देश में अपना हो गया है ना तो यहां पर भारत का ये रुख इनको तगड़ा सा मिला हुआ है सी जिनपिंग जो है अब इसको समझते हैं ये मैप में लोकेशन वगैरह क्या है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा देखो भारत और चाइना का बॉर्डर आपको वहां पर मैप में मैंने दिखाया चाइना इसके ऊपर पूरा पूरा लगा हुआ है यहां पर आप अगर देखोगे तो इस साइड से यहां से लेकर के आप इधर लद्दाख आ जाओ इधर जम्मू कश्मीर इधर लद्दाख और इसके बाद इधर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड फिर इधर नेपाल आ जाता है तो नेपाल तो मतलब अपना बॉर्डर इधर लगा नहीं इधर आएगा सिक्किम अपना तो सिक्किम से बॉर्डर लगा फिर इधर भूटान आ गया और भूटान के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश तो इतना बॉर्डर अपना लगता है ये जो बॉर्डर है लाइन है इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं आपने सुना होगा एल ए सी और एल ओ सी दो बातें आपने सुनी है एल ए सी और एल ओ सी सुना है एल ओ सी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये यहां पर है ये वाली जो लाइन है ना जो ये हिस्सा है ये पाक ऑकोफाइड कश्मीर है यहां पर ये भी अपना ही हिस्सा है लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे वाला ये कश्मीर है और ये वाला जो एरिया है ना ये है अक्साई चीन ये वाला एरिया भी अभी के टाइम पर भारत के पास नहीं है यहाँ पर ये एरिया छोटा सा दिख रहा है आपको ये सियाचिन ग्लेशियर है और ये हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है तो ये वो हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया है और ये वो हिस्सा है जो चाइना के कब्जे में है भारत का ये वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जे में है और ये भी हिस्सा भारत का ही है पियोको को लेने की बात की जाती है तो समझो इसी हिस्से को लेने की बात की जाती है यानी एक्चुअल के अभी के टाइम पर देखा जाए तो भारत का हिस्सा मोटा मोटा यहां पर है इतना है ठीक है ना इसके नीचे वाला हिस्सा अब यहां से लेकर के इसके बीच में जहां जहां भारतीय हिस्सा है बॉर्डर है जो चाइना से लगता है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच का रास्ता है मतलब सीमा है और एलओसी जो है ये भारत और पाकिस्तान की या कहें पीओके के की बीच की लाइन है बॉर्डर लाइन है ठीक है अब देखो इसको एलएसी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया पहला पार्ट जो है ये पश्चिम सेक्टर है है जो पश्चिमी एरिया में वेस्टर्न साइड में, में है दूसरा मध्य सेक्टर है और तीसरा है पूर्वी सेक्टर पूर्वी सेक्टर जो है ये ये वाला एरिया आ जाता है जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है जहां पर अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा आएगा थोड़ा सा सिक्किम का सिक्किम का हिस्सा आएगा मध्य सेक्टर में आपका ये इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया आ जाएगा यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो एरिया जो बॉर्डर क्षेत्र लगाता है चाइना से उससे मध्य सेक्टर कहते हैं एल का अब आप बात समझ रहे हो ना यल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए तीन सेक्टर में क्यों क्योंकि बीच बीच में कुछ और भी राज्य या देश आ जा रहे हैं देश आ रहे हैं जिनकी वजह से पूरा पूरा लगातार लाइन नहीं लग रही अपनी तो ये वाला जो सेक्टर है इसको बांट दिए एल कि में पर ये पूर्वी सेक्टर है यहां पर अपनी है लेकिन बीच में देखो भूटान आ जा रहा है तो इसको अलग से हम लोग कंट्रोल करते हैं ये वाला हिस्सा आ जाता है ये है मध्य सेक्टर जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला है इसको अलग से कंट्रोल करते हैं पश्चिम सेक्टर जो लद्दाख वाला क्षेत्र है इसको अलग से कंट्रोल करते हैं तो अब ये तीन पार्ट हो गया आपका इनकी सीमा अगर रेखा की बात करें टोटल भारत और चीन की तो पैतीस सौ किलोमीटर लंबी ये अपना बॉर्डर लगाता है इससे ठीक है ना और 3500 किलोमीटर लंबे में अगर हम लोग देखें कि भारत मध्य सेक्टर और पश्चिमी सेक्टर सेक्टर और पूर्वी में कितना कितना लंबा बॉर्डर लगाता है तो पश्चिम सेक्टर में सत्तानवे किलोमीटर लंबा है बॉर्डर और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी मध्य सेक्टर वाला 545 किलोमीटर का बॉर्डर है और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला तेरह किलोमीटर का बॉर्डर है ये इतना बॉर्डर हम लोग लगाते हैं किससे चाइना से ठीक है ना और अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है ये उन्नीस के युद्ध से जो युद्ध हम लोग हार गए थे चाइना से वो तब से अक्साई चीन वाला हिस्सा जो है वो चाइना के कब्जे में है ये पूरी बात आपको समझ में आ गई अब यहां पर बात आते हैं कि विवाद कहां उठा विवाद उठता है दोस्तों इस जगह से ये जो जगह है अरुणाचल प्रदेश ये वाला हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली में पूरा पूरा का पूरा ये लेना चाहता है खुद से इसके लेने के पीछे का स्ट्रेटेजिक कारण क्या है कारण यह है कि ये चाहता है ना कि यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर आप मैप में देखोगे अरुणाचल प्रदेश का अगर ये हिस्सा इसके पास अगर आ गया तो समझो इसको इसका पूरा का पूरा ये रूट आ जाएगा म्यांमार से ये कनेक्ट हो जाएगा और अपना व्यापार वगैरह और धड़ल्ले से कर पाएगा यहाँ पर ठीक है ना तो ये ये चाहता है ऐसे ही यहाँ पर आपको पता होगा ये जो पीओके वाला एरिया है ना कुछ ऐसे गया है जो यहाँ पीओके से इसने अपना सीपीईसी शुरू किया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हालांकि वो पूरा सही तरीके से हो नहीं पाया है यहाँ पर अब उनके जो चीनी जो मजदूर थे काम करने वाले वर्कर्स थे वो भाग रहे हैं क्योंकि वहां पर अटैक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा तो इस वजह से ये पूरा तो हो नहीं पाया लेकिन ये इसका काफी मेगा प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सीपीईसी इस पर हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं एक बार अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देखिएगा जरूर सीपीई सी एमजेटी एजुकेशन सर्च करके और भी कभी टाइम मिला तो और अच्छे से चर्चा करेंगे उस पर आज फिलहाल आप ये जानो कि जैसे ये सीपीईसी के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ये डायरेक्ट निकल करके यहां से जुड़ना चाहता है मध्य एशिया से और यूरोप से जुड़ना चाहता है कनेक्ट होना चाहता है ठीक ऐसे ही ये इधर से निकल करके इन क्षेत्रों में आना चाहता है ठीक है और इसीलिए ये अपना हिस्सा बताता है और इसके बताने से तो होगा नहीं क्योंकि भाई वहां पर अपना कब्जा है और अपना वहां पर बहुत पहले से अधिपत्य रहा है काफी लंबे समय से तो इसी को लेकर ये बात हुई है अब इस बार जो नाम तीस नाम चेंज किए हैं इसका नाम तो इसने रिवेल नहीं किया है अभी केवल खबरें आई हैं कि तीस नाम बदले गए हैं लेकिन क्या नाम रखे गए हैं ये नहीं पता चल पाया है पिछली बार जो इसने ग्यारह नाम बदले थे अप्रैल में उसमें ये नाम देख लीजिए क्या क्या नाम भारत की तरफ से था और उसका नाम चाइना ने क्या क्या रखा था पांगचेन है पांगचेन का इन्होंने बांगकिन कहा ग्यांग खारजोंग को इन्होंने जियांग कांगजोंग कहा लो जुगरी को लुसोन री कहा ताइपोरी को इसने दिएपुरी कहा तोडोंग को इसने दोडोंग कहा मतलब लगभग लगभग सिमिलर नाम ही इसने भी रखा बस इनका नाम ये हो गया कि हमने इसको नाम दिया है ये ये अपने हिसाब से बोल रहे हैं वैसे भी चाइनीज जो बोलते हैं वो उतना समझ में आता नहीं है तो समझो एक प्रकार से यही वाला नाम वो भी बोल ही रहे हैं जैसे आप देखोगे साई गंगरी है तो यहाँ पर इन्होंने जिनजियो गंगरी बोला हुआ है ठीक है ना लगभग लगभग वही है 2021 में भी इसने पंद्रह जगहों के नाम बदले थे दो में छह जगहों के नाम बदले थे और एक नक्शा भी अभी ग्यारह जगहों का जब नाम बदला था इसने जारी किया था तो ये समय समय पर ऐसे खुरापात करता रहता है भारत का क्या बयान रहा

नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश की सच्चाई नहीं बदलेगी वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहेगा ठीक है ना तो ये कहा है विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आई होप आपको ये चीजें सबसे कम समय में आसानी से समझ में आ गई होगी बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा खींचने चाहिए इस वीडियो को अगर आपने ये नहीं देखा है कि भारत ने क्यों दिया कच्छा थी द्वीप इसका इतिहास क्या रहा है भारत इसको वापस से कैसे ले सकता है तो अभी कल ही क्लास लिया था मैंने आप इसको जरूर देखिएगा इसके अलावा ट्रेंडिंग टॉपिक पर मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी हुई है तो ऐसे आप और भी वीडियोज देख सकते हो ई बुक आ गई है साथियों मार्च महीने की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मात्र बीस रुपए में पूरे महीने का साढ़े तीन सौ क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिया जाता है तो इसको आप लोग जाकर के परचेज कर सकते हैं एमजेटी मिल जाएगा अच्छा एमजेटी पेमेंट गेटवे ले को लेकर के कुछ इशू आ रहे हैं क्योंकि इकतीस से पेटीएम का काम करना बंद कर दिया है एक दो दिन और रुक जाइए अभी वेरिफिकेशन में प्रोसेस में है दूसरा पेमेंट गेटवे जो है लगवा दिया गया है लेकिन जल्दी उस पर काम करने लगेगा तो जिसको पेमेंट में इशू आ रहा है वो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो उनको दूसरा पेमेंट मेथड बताया जाएगा वहां पर पेमेंट करके आप ले सकते हो ठीक है बाकी आज या कल तक आपका दूसरा पेमेंट गेट वे काम करने लगेगा तो आप वहां से ले सकोगे जो भी और आपको वीडियो कोर्सेज पढ़नी है या जो भी चीजें आपको पढ़नी है वो आप जाकर के एमजीटी पर चेक कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सबके डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं आप जाकर के देख सकते हो और सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन क्वालिटी के साथ आप यहाँ पर कोर्सेस प्राप्त कर सकते हो थैंक यू सो मच मिलेंगे अगली क्लास में तब तो तक तो के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम